आप बैंगन के पौधों के ट्रांसप्लांटिंग के लिए 5 से 6 फीट एक चौड़ी क्यारी बनाएं। क्यारी की लंबाई आप अपने हिसाब से कितनी भी रख सकते हैं। जब आप क्यारी में बैंगन के पौधों का ट्रांसप्लांट करें तब रो से रो के बीच की दूरी 2 फीट रखें और पौधे से पौधे के बीच की दूरी भी आप 2 फीट ही रखें। इस तरह से आपकी एक क्यारी में बैंगन की 3 रो आएगी। नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव किसान। आज हम इस वीडियो में बैंगन की खेती से चर्चा करेंगे, जिन्हें जानकर आप बैंगन की खेती से मिलने वाले उत्पादन को 1.5 से 2 गुना तक बढ़ा सकते हैं और आपकी बैंगन की फसल रोग और कीट मुक्त रहे। हम इस वीडियो में मुख्यतः इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। नंबर 1, बैंगन की नर्सरी लगाने का सही समय। नंबर 2, बैंगन के पौधों की ट्रांसप्लांटिंग की उचित विधि। नंबर 3, बैंगन की फसल में लगने वाले रोग व कीट और उनके जैविक और रासायनिक उपाय। नंबर 4, बैंगन की फसल के साथ हम किस टेक्निक से बैंगन की फसल से मिलने वाले उत्पादन को 1.5 से 2 गुना तक बढ़ा सकते हैं। नंबर 5, बैंगन की फसल के साथ में हम किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स पर वीडियो में आगे एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें। हम इस वीडियो पर 2000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम खेती बाड़ी से जुड़े ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी किसान भाइयों के लिए लेकर आते रहते हैं। आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, बैंगन की नर्सरी लगाने का सही समय क्या है। आप बैंगन की नर्सरी ग्रीष्मकालीन सीजन और बरसात के सीजन में लगा सकते हैं। ग्रीष्मकालीन सीजन में बैंगन की नर्सरी लगाने का सबसे उपयुक्त समय फरवरी और मार्च महीना, व बरसात के सीजन के लिए बैंगन की नर्सरी लगाने का सबसे उपयुक्त समय जून जुलाई और अगस्त का महीना। बैंगन का बीज जर्मिनेशन के लिए 10 से 15 दिन का समय लेता है। जब बैंगन की नर्सरी 4 से 6 वीक की हो जाए उसके बाद में आप बैंगन के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर दीजिए। ट्रांसप्लांट किस तरह से करना है इसके लिए आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट, बैंगन के पौधों की ट्रांसप्लांटिंग की उचित विधि क्या है। आप खेत की तैयारी के समय ही देसी गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट को खेत में डाल दें। निमोटेट्स की समस्या से बचने के लिए आप नीम की खली का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आप बैंगन के पौधों की ट्रांसप्लांटिंग उस खेत में करें जिसमें 6 से 8 घंटे तक सूर्य का प्रकाश सीधा आता है। आप बैंगन के पौधों की ट्रांसप्लांटिंग के लिए 5 से 6 फीट एक चौड़ी क्यारी बनाएं। क्यारी की लंबाई आप अपने हिसाब से कितनी भी रख सकते हैं। जब आप क्यारी में बैंगन के पौधों का ट्रांसप्लांट करें तब रो से रो के बीच की दूरी 2 फीट रखें और पौधे से पौधे के बीच की दूरी भी आप 2 फीट ही रखें। इस तरह से आपकी एक क्यारी में बैंगन की 3 रो आई। आप बैंगन की खेती फ्लड इरीगेशन और ड्रिप इरीगेशन दोनों माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप फ्लड इरीगेशन से बैंगन की खेती करते हैं तो इसमें निंदाई गुड़ाई का आपका खर्च आएगा और इसमें लेबर की जरूरत लगेगी। वहीं अगर आप ड्रिप इरीगेशन से बैंगन की खेती करते हैं तो आप मल्चिंग पेपर बिछा कर अपने खरपतवार हटाने के लिए जो लेबर में खर्च आएगा उस खर्च को बचा सकते हैं। दोनों ही मेथड में आपका बैंगन की फसल से मिलने वाला उत्पादन तकरीबन सेम रहेगा। इसलिए यह चुनाव आपका है कि आप बैंगन की खेती फ्लड इरीगेशन से क्यारियाँ बनाकर करना चाहते हैं या फिर बेड विधि से ड्रिप इरीगेशन सिस्टम के माध्यम से, या आपका चुनाव। बैंगन के पौधों की ट्रांसप्लांटिंग के लिए आपको एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप बैंगन के पौधों की ट्रांसप्लांटिंग शाम के समय करें व बैंगन के पौधों की जड़ों को अच्छे से धो लें और इनकी मिट्टी हटा दें। मिट्टी हटाने के बाद आप बैंगन के पौधों का ट्रांसप्लांट कर दें ताकि नई जगह पर हमारा पौधा जब जाए तो वह मिट्टी को अच्छी तरह से पकड़े। इस फील्ड पर मार्च के महीने में नर्सरी लगाई गई थी और अप्रैल के महीने में यहाँ पर बैंगन के पौधों का ट्रांसप्लांट किया गया। बैंगन के पौधों की ट्रांसप्लांटिंग के बाद सवाल आता है कि बैंगन की फसल में लगने वाले रोग व कीट और उनके उपाय क्या क्या हैं। बैंगन के पौधे पर वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, एफिड्स और रस चूसक कीटों का अटैक देखने को मिलता है। यह कीट बैंगन की पत्तियों की सतह पर रस चूसते हैं जिस कारण बैंगन के पौधे की पत्तियां मुड़ जाती है, जिसका सीधा असर हमारे उत्पादन पर पड़ता है। अब जानते हैं कि इन रस चूसक कीटों को जैविक विधि से किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे अपनी फसल पर समय समय पर करते रहें। 5 से 10 ml नीम ऑयल पर लीटर के हिसाब से आप अपनी फसल पर स्प्रे कर दें। आप
15 दिन के अंतराल पर फसल पर स्प्रे करें और इन कीटों का अटैक ज्यादा देखने को मिलता है तो आप हर सप्ताह स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टिकी ट्रैप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं रस चूसक कीटों को कंट्रोल करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रस चूसक कीट इस स्टिकी पेड़ पर चिपक जाते हैं। आप 5 से 10 मीटर के डिस्टेंस पर इन स्टिकी पेड्स को अपने फील्ड पर लगा दें। यह पूरी तरह से ऑर्गेनिक है जिसका उपयोग आप अपनी ऑर्गेनिक खेती के लिए कर सकते हैं। अब जानते हैं रस चूसक कीटों को हम रासायनिक विधि से किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आप थाइमेक्सन 25% WG 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर के पानी में मिलाकर अपनी फसल पर स्प्रे कर दें। इन कीटों के अलावा बैंगन की फसल पर तना छेदक और फल छेदक कीट का अटैक देखने को मिलता है। इस कीट की यह पहचान है कि यह हमारे पौधे के तने की ऊपरी शाखा को झुका देता है। आप ऐसी शाखाओं को तुरंत तोड़ लें और इन्हें कहीं दूर मिट्टी में गाड़ दें। साथ ही यह इल्ली बैंगन के फल पर भी अटैक करती है और उसे अंदर से सड़ा देती है और हमारा बैंगन का फल खराब हो जाता है। इस कीट को शुरुआती स्टेज में कंट्रोल करने के लिए आप जैविक तरीके में आप नीम ऑयल 300 ppm 1 लीटर प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिलाकर अपनी फसल पर स्प्रे कर दें। उसके बाद में सेकेंड स्टेज पर आप नीम ऑयल 10,000 ppm 400 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिलाकर अपनी फसल पर स्प्रे कर दें। फेरोमन ट्रैप में आप तना छेदक व फल छेदक कीट का एक लूर आता है जिसे आप इस हिस्से पर लगा देंगे तो आप फल छेदक और तना छेदक कीट को इस ट्रैप में कैद कर सकते हैं। अब यह फेरोमोन ट्रैप क्या है और यह किस तरह से काम करता है इस पर डिटेल में वीडियो जल्द ही आएगा। अगर आप इस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम इसकी प्राइस से लेकर इसे खेत में किस तरह से इंस्टॉल करना है इस पर डिटेल में जानकारी लेकर आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि रासायनिक तरीके में हम किस तरह से फल छेदक व तना छेदक कीट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोइट 5% ECG 80 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिलाकर अपनी फसल पर स्प्रे कर दें। अब जानते हैं कि बैंगन के पौधे से हम किस तरह से उत्पादन 1.5 से 2 गुना तक बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप बैंगन के पौधे की कटाई व छटाई करें। कटाई व छटाई एक निश्चित समय पर करेंगे तभी आप उसका लाभ उठा सकते हैं। अब जानते हैं कि यह निश्चित समय क्या है। जब आपका बैंगन का पौधा फर्स्ट फ्रूटिंग देने लगे उस स्टेज पर आपको बैंगन के पौधे की कटाई व छटाई करना है। आप सबसे पहले बैंगन के निचली सतह की पत्तियों को काट दें व ऊपर की पत्तियों को आप छोड़ दें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए ताकि हमारा बैंगन का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता रहे और यह भोजन ग्रहण करता रहे। उसके बाद में आप बैंगन के पौधे की मेन ब्रांच को ऊपर की साइड से कट कर दें। कुछ दिनों बाद बैंगन के पौधे की 2 शाखाएं निकलेगी वी के आकार की। इस तरह से आप बैंगन की खेती से मिलने वाले उत्पादन को 1.5 से 2 गुना तक बढ़ा सकते हैं। जब आप बैंगन के पौधे की कटाई व छटाई करते हैं इसमें आपकी फ्रूटिंग की संख्या बढ़ जाती है और आपको फ्रूट ज्यादा मिलते हैं जिस तरह से हमारा उत्पादन बढ़ता है। अब आते हैं हमारे 5वें पॉइंट, बैंगन की फसल के साथ में हम किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। आप बैंगन की फसल के साथ बीन्स और हरी मिर्च की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी किसान भाइयों के लिए लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।